अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनावों के दौरान एक दूसरे नेताओं पर बयानबाजी का दौर जारी है। पीएम मोदी के द्वारा स्वर्गीय राजीव गांधी को लेकर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया है। हमीरपुर में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने मोदी की बयानबाजी को भारत की सभ्यता और संस्कृति के विपरीत बताया, तो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को भी आहत करने वाली, जिन्हें कांग्रेस कभी सहन नहीं करेगी। लोकसभा चुनावों के दौरान एक दूसरे नेताओं पर बयानबाजी का दौर जारी है। पीएम मोदी के द्वारा स्वर्गीय राजीव गांधी को लेकर की गई टिप्पणियों पर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया है। हमीरपुर में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने मोदी की बयानबाजी को भारत की सभ्यता और संस्कृति के विपरीत बताया है, तो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को भी आहत करने वाली बयानबाजी करार दिया है, जिसे कांग्रेस कभी सहन नहीं करेगी। प्रेम कौशल ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी के ऊपर टिप्पणियां करना देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण तो है, साथ ही कष्टदायक भी है, इसलिए कांग्रेस इस तरह की टिप्पणियों की कड़ी निंदा करती है। नरेंद्र मोदी जी ने राजीव गांधी जी को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं जो मैं समझता हूं कि किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता अपने आप को भारतीय संस्कृति का रक्षक और संवाहक समझते हैं, लेकिन जिस तरीके से स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को लेके मोदी जी ने टिप्पणी की है, वो मैं समझता हूँ कि भारत जैसा जो देश है, उसकी जो सभ्यता है, उसकी जो संस्कृति है, ना केवल उसके विपरीत है, अपितु जो प्रधानमंत्री का पद है उसकी गर्मियों को भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसके स्तर को भी नीचे किया है। राजीव गांधी वो शख्सियत हैं जिन्होंने इस देश की एकता अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, शहादत दी, और राजीव गांधी का ताल्लुक एक ऐसे परिवार से है जिस परिवार की पृष्ठभूमि देश की आज़ादी की लड़ाई, उसके संघर्ष से लेकर पंडित नेहरू ने अपने जीवन के 13 वर्ष आज़ादी की लड़ाई में जेल में काटे, इंदिरा गांधी जब छोटी उम्र की थी आज़ादी की लड़ाई में कूदी जेल गईं, इंदिरा जी ने देश की एकता अखंडता के लिए शहादत दी, तो ऐसे परिवार के नेताओं के प्रति, ऐसे परिवार के सदस्यों के प्रति इस तरह की टिप्पणी करना जो है वो एक देश के प्रधानमंत्री के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत कष्टदायक है देश की जनता के लिए। और पीएम मोदी का पूर्व पीएम मनमोहन को भी वॉचमैन कहे जाने पर प्रेम कौशल ने कहा कि मनमोहन विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं और ऐसे में मोदी के द्वारा की जा रही टिप्पणियां हास्यप्रद हैं। उन्होंने कहा कि मोदी को अपनी शैक्षणिक योग्यता को ध्यान में रखते हुए दूसरों पर टिप्पणियां करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी की टिप्पणियां ऐसी लगती हैं जैसे कहां राजा भोज और कहां गंगूतेली। जी ने मनमोहन सिंह जी को भी टिप्पणी की है, कहा मनमोहन सिंह वॉचमैन की संज्ञा दी उनको। मोदी जी, इस देश को आपकी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी नहीं है, RTI भी मांगते हैं तो नकार दिया जाता है, आपकी शिक्षा की जानकारी नहीं मिलती, और एक ऐसा नेता जिसकी अपनी शिक्षा की जानकारी देश की जनता को ना हो, वो एक ऐसी शख्सियत के विषय में जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री रहा हो, जिसने वर्ल्ड बैंक में काम किया हो, हिंदुस्तान का जो रिजर्व बैंक है जो उसके गवर्नर रहे हों, वित्त मंत्री रहे हों देश के, और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को उस स्थिति में जब पूरे देश की अर्थव्यवस्थाएं जो थी वो कोलैप्स कर रही थी, ऐसी स्थिति में भी देश की जो अर्थव्यवस्था थी उसको ना केवल स्थिर रखा बल्कि मजबूती प्रदान की, ऐसे व्यक्ति के बारे में आप इस तरह की टिप्पणियाँ कर रहे हैं, तो वैसा ही हुआ कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगूतेली। तो आपको अपनी जो एक शैक्षणिक हैसियत है उसको ध्यान में रखते हुए इतने शिक्षित व्यक्ति के विषय में टिप्पणी करनी चाहिए। इसी के साथ प्रेम कौशल ने राहुल गांधी को पप्पू कहने के बयानों पर कहा कि प्रदेश में आजकल कानून व्यवस्था चरमा गई है, तो बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की हालत को अनदेखा करके मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को कोसने में लगे हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि जिन लोगों को आज CM पप्पू कह रहे हैं, उन्हीं के पास 23 मई को बधाई देने के साथ दूसरे कामों को करवाने के लिए उन्हें जाना पड़ेगा। उन्होंने राहुल गांधी जी को लेकर टिप्पणी की, उनको पप्पू कहा है, ये भारतीय जनता पार्टी वाले बोलते रहते हैं राहुल गांधी जी को पप्पू, लेकिन मैं जयराम जी को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आज प्रदेश के अंदर बलात्कार की घटना हर दिन हो रही है,
शिमला में बलात्कार का कांड हुआ, आज दिन तक अपराधी पकड़े नहीं गए। उसके बाद सोलन में परसों एक नाबालिग के साथ बलात्कार की घटना हुई, और पिछले कल बिलासपुर में तो सारी हदें पार हो गई, एक 3.5 साल की जो बच्ची थी उसके साथ दुष्कर्म हुआ। आपके प्रदेश में जिसके आप मुखिया हो, जिसके आप मुख्यमंत्री हो, इस तरह की शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं, और जो हीरोइन है, चिट्टा है, उसे आए दिन जो हमारे युवा पीढ़ी है, नौजवान है, वो उस नशे की चपेट में आकर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। आप उस चीज़ों की तरफ ध्यान ना देके राहुल गांधी को पप्पू बोलने में बसते हैं, कांग्रेस के नेताओं को उनकी आलोचना करने में, उनको गाली गलौज करने में भारतीय जनता पार्टी के नेता मस्त और व्यस्त हैं। ये कैसी राजनीति आप कर रहे हैं? जिनको आप पप्पू कह रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और कांग्रेस पार्टी का ये दावा है कि 23 तारीख को जब मतगणना होगी, देश की जनता कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान कर रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में बनेगी, और जिनको आप पप्पू बोल रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, आदरणीय राहुल गांधी जी। और आपको यहाँ से बुके लेकर उनको बधाई देने भी जाना पड़ेगा, और हिमाचल प्रदेश के लिए पैकेज लेने के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए आर्थिक मदद लेने के लिए भी उन्हीं राहुल गांधी के पास जाना पड़ेगा जिनको आज आप पप्पू कह के बुला रहे हैं।